यार बहुत ही खूबसूरत वैली है। तो अभी 5 मिनट के ब्रेक के लिए हम यहाँ रुके थे। हाँ तो गाइज हमारा जो पनीर है वो अभी जो है फ्राई हो रहा है। और तो गाइज हमारा चिली चीज जो है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि वही कितना जो देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लू माउंटेन में। तो गाइज अभी आया हूँ मैं गड़सा वैली में। तो आज आपका शनिवार, तो मैंने सोचा आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ पर, क्योंकि कल मुझे आना है रिवालसर। तो मैंने सोचा दोस्तों के साथ आज यहाँ पर थोड़ा इन्जॉय कर लूँ। तो फिर आज मैं गड़सा वैली में आया हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो इससे पहले जो हूँ मैं यहाँ से थोड़ा जैसा पीछे बैठा था, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर प्लेस बहुत अच्छा है और शांति भी है। और आप सुन सकते हैं नेचर का साउंड कितना ब्यूटीफुल है। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ा जैसा कुकिंग करेंगे, थोड़ा जैसा अपने लिए खाने के लिए बनाएंगे और उसके बाद इन्जॉय करेंगे। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, नज़ारा बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत सुंदर। और गड़सा रिवर जो है यहाँ पर बह रही है और बिल्कुल जो है ना शीशे की तरह साफ है, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल बढ़िया वाली। और देखते हैं थोड़ी देर बाद, क्या पता हम नहाएंगे भी यहाँ, स्विमिंग भी करेंगे, इन्जॉय भी करेंगे। तो उससे पहले कुकिंग कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, खाते हैं और उसके बाद फिर इन्जॉय करेंगे। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। और थोड़ा जैसा जो है अपना जो काम जो है पूरा कर लेते जो भी काम है उसको, उसके बाद जो है इन्जॉय करेंगे, क्योंकि पहले अपना काम निपटाएंगे, उसके बाद इन्जॉय करने का भी मज़ा आता है और खाने पीने का भी मज़ा आता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अभी मैं रास्ते में था, गड़सा वैली में पहुँचा हूँ मैं अभी। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वैली है। तो अभी 5 मिनट के ब्रेक के लिए हम यहाँ रुके थे। तो यहाँ नज़ारा देख सकते हैं आप, ऊपर जापानी के छोटा जैसा एक बगीचा है, बहुत ही खूबसूरत। और 2-3 घर है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और सामने माउंटेन देख सकते हैं आप, वैली बहुत ही अच्छी है। और ख़ासकर मुझे ये माउंटेन बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही छोटा जैसा एरिया ये, पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो इसे गड़सा वैली बोला जाता है। तो गाइस देख के मन खुश हो गया, नेचर बहुत खूबसूरत है। तो गाइज हमारा जो पनीर है वो अभी जो है फ्राई हो रहा है। और साथ में जो है प्याज हमने काट दी है, टमाटर काट दिए हैं और मिर्च और शिमला मिर्च भी काट दी है। तो अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं नज़ारा बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है। सामने जो है माउंटेन है और फॉरेस्ट है और नेचर का जो साउंड है देख सकते हैं आप, और साथ में जो है रिवर है। और हमारा जो है ये पनीर जो है फ्राई हो रहा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइज, बहुत ही इन्जॉय। तो अभी इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद चिली चीज़ बनाएंगे। तो मेरे दोस्त वगैरह हैं, ये भी जो है कुकिंग कर रहे हैं साथ में, मैं थोड़ा जैसा वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस हमारा चिली चीज़ जो है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि वही कितना जो देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत। और कलर इसमें बहुत अच्छा है, हमने इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा होगा। तो वैसे तो हमने कई बार ही खाया है। तो हमारे जो बोटी जी है मेरा फ्रेंड, तो बहुत ही अच्छा चिली चीज़ बनाता है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया बनाया। और अब इससे थोड़ी देर बाद हम खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और जंगल में एक चीज़ आप नोट करना, लकड़ी से अगर आप कोई भी चीज़ कुकिंग करते हो तो उसका कुछ टेस्ट ही अलग होता है। तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का भी और इन्जॉय भी। और हमने जो यहाँ पर टाइम बिताया तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी वैसे हमारे पास अभी 2-3 घंटे और है, आराम से बैठेंगे और अभी थोड़ी जैसी और वीडियो भी बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आपको ये थोड़ा जैसा दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छा बना है, आप देख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर गड़सा रिवर में अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने सोचा थोड़ा जैसा आपको दिखा दूँ। हमारे जो कुल्लू मनाली में जो रिवर है ना बहुत क्लीन है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, हम इस पानी को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए। तो इतना क्लीन पानी है ना, हमने अभी भी जो कुकिंग की तो यही पानी यूज़ किया हमने, क्योंकि ये बहुत क्लीन है। तो बहुत ही मज़ा आया आज के दिन हमें, मतलब इन्जॉय किया हमने, फुल इन्जॉय किया। मेरे दोस्त हैं, ईशान है और मेरा एक और दोस्त है, उसके सामने फुल इन्जॉय किया। और जो ये गड़सा वैली है, मतलब कि हिडन वैली है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं क्योंकि यहाँ पर उतना फेमस नहीं है। पर एक बात ये भी है, सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपकी जितनी फेमस वैली होगी तो आपके टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। तो उस वजह से जो है ना, वहाँ पर जो है ना टूरिस्ट आने की वजह से जो है गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो मेन वजह ये है कि यहाँ पर हमें जो है ना शांति है बिल्कुल, तो उस वजह से जो है ना यहाँ पर उतनी गंदगी भी नहीं है। तो मुझे सबसे अच्छी ये बात ये लगी। तो
मैं जब रिवालसर से बजौर आता हूँ अपने घर, तो हमेशा जो है मैं गट्सा वैली में ज़रूर आऊँगा एक बारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रिवर, मैं अपने दोस्त को बोलना चाहता हूँ कि देखो कितनी क्लीन है। यहाँ पर आपको ट्राउट फिश भी मिलेगी जो कि बहुत ही डिलीशियस होती है खाने के लिए। तो नदी का पानी इतना शुद्ध है, हमने अभी यूज़ किया सब चीज़ के लिए, कुकिंग की हमने सब कुछ किया, बहुत ही मज़ा आया। तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप नेचर में आओ तो सबसे पहले आप जो है ना साफ़ सफाई गंदगी उसका ध्यान रखना। नेचर में जब भी आप आओ इन्जॉय करो, कोई बात नहीं आप फुल इन्जॉय करो, पर गंदगी कभी भी मत फैलाओ। तो जैसे कि मैं हर बार आता हूँ, जो भी मैं कोई भी प्रोडक्ट लाता हूँ तो सारा कूड़ा करकट जो है ना अपने साथ जो है ना घर में ले जाता हूँ, तो डस्टबिन में रखता हूँ और जो है कूड़ा जो है कूड़ेदान में ही फेंकता हूँ। क्योंकि ऐसा है ना, देखो हमारे को हर बार यहाँ पर आना पड़ता है, तो जो है उस वजह से जो है कल देखो अगर मैं यहाँ पर यहीं पर कूड़ा फेंके चला जाऊँ, ठीक है कल दिन मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पर तो भाई बड़ा भारी गंदगी है, गंदगी किसने फैलाई, मैंने फैलाई, आपने फैलाई, सब है फैलाई। तो ऐसा है कि जब आप नेचर की जगह आओ कूड़ा मत मिलाओ। हर वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आप नेचर की जगह जाओ कूड़ा बिल्कुल भी जो है ना वहीं मत फेंको, अपने साथ ले जाओ, डस्टबिन में रखो और जो है कूड़ेदान में ही अपना कूड़ा फेंको, ताकि जब भी आप दूसरी बार इस जगह में आओ तो आपको क्लीन दिखे। तो ठीक, तो मेन बात ये है कि देखो रिवर कितनी आपकी क्लीन है, बहुत ही मतलब कि वो है, हमने ये पानी जो है यूज़ भी किया बिल्कुल शुद्ध है। तो हमेशा जो है नेचर का ख्याल रखो आप, अगर आप नेचर का ख्याल रखेंगे तो नेचर भी आपका ख्याल रखेगी, अगर आप नेचर के साथ जो है मतलब कि उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो नेचर भी आपको सजा देगी। तो हमेशा जो है, क्योंकि मैं खुद एक नेचर लवर हूँ तो हमेशा जो है मैं नेचर का ख्याल रखता हूँ। तो गाइस आज कुल मिला के जो है ना हमने फुल इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। मेरे दोस्त ईशान है तो हमारे भाई जी है नहीं जो मतलब कि मेरी वीडियो बना रहे हैं, इनके साथ भी फुल इन्जॉय किया बैठे, क्योंकि इसके बाद आपको पता है मेरे को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि रिवालसर में मेरी शॉप है तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि विंटर सीजन जो है आने वाला है। तो आज मेरा लास्ट दिन था यहाँ, मैंने फुल इन्जॉय किया, फुल मज़ा किया। तो सबसे मेन बात जो है ना, जो ये गट्सा रिवर है ना ये बहुत क्लीन है, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉट फिश है, ट्रॉट फिश जो है ना जो हमेशा जो है ना क्लीन वाटर में रहती है। तो मेरे चैनल ब्लू माउंटेन को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो गाइस बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई जगह नए पॉइंट में। तो मेरा तो आपको पता ही है कि मेरा चैनल जो है नेचर से रिलेटेड है, तो मैं नेचर को ही ज़्यादा जो है ना मतलब कि महत्व देता हूँ। तो मतलब कि अब जितना हो सके गंदगी ना फैलाएं, नेचर को जो है साफ सुथरा रखें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्दी, मेरा चैनल जो है ब्लू माउंटेन के नाम से है, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। तो बहुत जल्दी मिलती है आपसे एक नई जगह में, तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी।